गाइस अभी हम आ गए थे और नहा धो के अब हम रेडी हो गए हैं। अब हम सब जा रहे हैं नीचे जहाँ शादी है। ऊंचा सब रेडी हो गए और सब नीचे जा रहे हैं। एक तो यहाँ पे रास्ता भी ऐसा है और गर्मी ऊपर से और हो रही है, धूप हो रही है और मेरे बाल अभी भी गीले ही हो रहे। ये ध्रुव क्या खा रहा है? ध्रुव तू ये इनको पता, दिखाइए दिखा क्या दिख, क्या खा रहा है तू? हिसाऊ। ये ऑरेंज कलर के ये भी फल होते हैं हिसाऊ, ये बड़े अच्छे होते हैं। चलो जी सेटिंग कर रहे हैं सामान की। बहुत कलरफुल सा लग रहा है आज तो टैंक। गाइस यहाँ पे बारात आ चुकी है। नीचे बहुत भीड़ हो रही है इसलिए हम ऊपर खड़े हैं। दूल्हा भी आ चुका है। अब देखो यार डोली पे बैठेगा। हम दिल्ली वाले हैं तो हमें जब पटाखे नीचे से फोड़ते तो वो हमें ऊपर दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हाइट पे खड़े हैं तो हमें सामने दिख रहे हैं पटाखे एकदम क्लियर, और यहाँ पे धुआं भी आराम से दिख रहा है। अरे डोली ले जा रहे हैं, डोली में धूल आएगा, डोली में धूल आएगा। अब बारात अंदर आ गई। ये पापा और ध्रुव तो वहीं खड़े थे, वो आ तो रहे बारात के साथ। दुल्हन का फोटोशूट। यहाँ पे आ गई है बारिश गाइस, और अभी तो फिलहाल आंधी चल रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है। जो है चलने की वजह से पीछे का बैकग्राउंड गिर गया, दिख तो रहा है। दुल्हन की विदाई। We'll be right back.
शादी हो गई थी, विदाई के बाद हम ऊपर आए। मैं, ताऊ जी, तन्नू भाई, यशु और ध्रुव। ताऊ जी बहुत तेज चलते हुए। अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि हम पूरा नीचे से आए हैं, तो अभी हम रेस्ट कर रहे हैं। होने की संभावना थी, थोड़ी बहुत हुई बारिश और उसके बाद अब अच्छी सी हवा चल रही है, मस्त सी। यू बिल्कुल भी अब गर्मी नहीं है। यू कैसी आवाज निकाल रहा है इसके? ये दोनों लड़ते लड़ते आ रहे हैं रास्ते में। वो शेर की आवाज़ निकाल के दिखा रही है। और वो ऊपर है नंदा देवी का मंदिर, हम उसमें गए नहीं क्योंकि हम लेट हो गए थे और आज सुबह भी हम गए थे घूमने, इसलिए अब थोड़ा रेस्ट करके फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आ रही है अपने बेटे को लेके, और ताऊ जी हमें कह रहे कि 5 लाइनें मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा, 5 लाइनें तुम कुमाऊँ नहीं मैं बोलोगे। अच्छा नंबर आपका, ये दो आ रहे हैं कहाँ से? कहाँ से आ रहे हैं? कुछ हिंदी पढ़ बताओ। ये दो कहाँ से आ रहे हैं? बोली ये दो। हाँ कहाँ से आ रहे हैं? पढ़े यू दी कदवे आए हैं। इनका आपस में क्या रिश्ता है बताओ? इनर आपस में क्या संबंध था? दो नंबर तीन यस से पूजा असर आई है। ये ले, ये नाइचर के क्या गीत गाएं? चलो ऊपर चलते हैं। अब ये आंधी तो हम अपनी स्पीड बढ़ा रहे क्योंकि कभी भी बारिश आ सकती है। हाँ पेड़ पौधे गिर सकते हैं, हमारी जान की सब। कहाँ गाड़ी है? हमें वहाँ जाना है, उधर से भी मुड़ना है, इस पहाड़ के पीछे जाना है हमें। हाँ देखो कितनी तेज आंधी चल रही है। अब हो गए सनसेट। क्या अब हम खा रहे हैं हिसाऊ जो मैंने आपको दिखाए थे सुबह। हिसाऊ एक पहाड़ी है, हिंदी में तो बोला जो ध्रुव का पेट नीचे नहीं भरा तो यहाँ भी खा रहे हैं अंगूर जैसे। अरे हिसाऊ हाँ वो दी हमारी गाड़ी, मतलब घर आ गया है, फाइनली हम पहुँच गए मस्त हिसाऊ। एक काम करते हैं टोकरी सी ले आते हैं, उसमें भर के ले जाते हैं। ये है पूरा पक गया ना। ताऊ जी निकाल के खाए जा रहे, खाए जा रहे। हाँ डंडी काम आ गई ताऊ जी के, बोतल में भर लेते बहुत सारे कांटे भी होते हैं जो कि ताऊ जी को लग गए। ताऊ जी को और यसु के कान में। हाँ यसु के कान में लग गए, हाथ पे भी लग गए। हम ऊपर आ चुके थे ये, वेलकम वेलकम वेलकम। यहाँ पे राशिद दी और फूफा जी भी आए हैं, और राशिद दी के हस्बैंड भी आए हैं दीदी और ये फूफा जी। अलग मौसम में मिले थे गर्मी में। बुआ कैसे करती थी यशु? बुआ कैसे करती थी? तो गाइस इसी के साथ हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।